राशन दुकानदार तथा केरोसिन लाइसेंस धारक संगठन दिग्रस की ओर से हाल ही में दिग्रस तहसील कार्यालय पहुंचकर दिग्रस तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राशन दुकानदारों का कमीशन बढ़ाने और ई पॉस मशीनों को जमा कराने की मांग की गई है। बीते 7 सालों से राशन दुकानदारों का कमीशन बढ़ाया नहीं गया है। हालांकि उन्होंने कई बार तहसील कार्यालय को ज्ञापन सौंपे। इतना ही नहीं, बीते दिनों वर्ष 2023 के शीत सत्र में नागपुर में 11 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र राज्य राशन दुकानदार संगठन की ओर से ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन उस मांग पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आजकल महंगाई के चलते राशन दुकानदारों को मिलने वाला कमीशन प्रति क्विंटल 150 रुपए है, जिसमें परिवार का पालन पोषण करना बेहद कठिन है। इस बारे में तत्काल निर्णय लेकर कमीशन में 150 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि कर प्रति क्विंटल 300 रुपए कमीशन दिए जाने की मांग की गई है। इस दौरान हाल ही में दी गई ई पॉस 4G मशीनों को जमा कराने का मुद्दा भी उठाया गया। राशन दुकानदारों की माने तो बीते 15 दिनों से सर्वर डाउन होने से मशीनें बंद है। इस कारण से लाभार्थियों को अनाज नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से लाभार्थी और दुकानदारों में वाद विवाद हो रहा है। इसलिए यह मशीनें तत्काल जमा कराने की मांग राशन दुकानदारों ने उठाई है। बहरहाल राशन दुकानदारों का प्रति क्विंटल कमीशन 300 रुपए बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को तत्काल पूरा किया जाए, ऐसी गुहार राशन दुकानदारों ने लगाई है। इस ज्ञापन पर संगठन अध्यक्ष नामदेव पवार, उपाध्यक्ष शेख समीर शेख मुस्ताक, सचिव फिरोज खान सहित अन्य राशन दुकानदारों के हस्ताक्षर हैं। ई केवायसी आम्हाला करायला सांगितले, याच्या आधी आम्हाला श्रावण बाळ, संजय गांधी निराधार योजना यांचे फॉर्म घ्यायला सांगितले। आम्ही साड्या वाटल्या, आनंदाचा शिधा वाटतो, त्याच्यानंतर 10 किलोच्या बॅग वाटल्या, या सगळे जे काम करून घेते सगळ्याला याच्याबद्दल आम्हाला कोणतंही कमिशन मिळत नाही, मानधन मिळत नाही, काही मिळत नाही। आणि मागील 10 वर्षापासून आमच्या कमिशनमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही। या महागाईच्या इष्टांकानुसार आम्हाला प्रति क्विंटल 300 रुपये मानधन देण्यात यावे असं आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। आणि ही पूर्ण आजची जे 5 तारखेला मशीन बंद करायचं आहे, हे महाराष्ट्र लेवलवर सगळ्या महाराष्ट्रामधल्या प्रसिद्ध मोठ्या राजभाव दुकानदार मशीन जमा करत, तर याबद्दल शासनानं सगळ्या समस्याचं निवारण करण्यात यावं अशी आमची इच्छा आहे। त्यानुसार आम्ही आज ई पॉस मशीन माननीय तहसीलदार साहेबांना निवेदन जमा करण्यात आले। इथं सगळे दिग्रस तालुका रास्ता भाव अन्य दुकानदार होते। इन बीस न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।